गुड इवनिंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सो इन यस्टरडेज क्लास वी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट वॉज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री राइट और उसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ वी ऑल्सो कम्पलीटेड फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था हमने और आज एक्सरसाइज को हमको आगे बढ़ाना है क्वेश्चन नंबर टू से हमको रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है रेडी चलिए तो सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए लेट मी सी कि हाउ यू आर अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लास देयर मस्ट बी ए नोटबुक इन योर हैंड एंड यू मस्ट बी सीन राइटिंग एवरी वन ऑफ यू एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी सीन राइटिंग प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो अवधि टर्न ऑन योर वीडियो रिया जैन मेहुल ज्योति मोहित रिया शर्मा शौर्य शीतल टर्न ऑन योर वीडियो ओके चलिए चलते हैं सो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू तो के करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। is, ये लेना है को। a tree breaks down due to a storm. किसी को किसी कोई हो तो करके बीच में अपनी क्वेरी पूछ सकता है टॉप ऑफ द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद इट तो यहां से लेके यहां तक इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे देखो एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर्स किए थे तो उन चैप्टर्स के अंदर जब अपन ने इक्वेशन बनानी सीख ली तो बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स आई, आई, आई थी याद है सबको बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी याद है ना बोलो बोलो बच्चों बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी याद है कि नहीं है इक्वेशंस yes, वाले चैप्टर में

तो आप सब लोग वीडियो की तरफ देखो ये कुछ इस तरीके से इलस्ट्रेशन कर सकते हैं हम इसका सब लोग वीडियो की तरफ देखो लेट्स सी कि ये पेड़ है और आंधी तूफान आया देखो ध्यान से सब लोग ये पेड़ है आंधी तूफान आया तो उसका बीच में से कोई पार्ट टूट के ऐसे बैंड हो गया कैन यू सी बोलो दिखाई दे रहा है ये बैंड हो गया बैंड गरिमा अपने फोन को एक जगह फिक्स करो उनको वीडियो गेम नहीं खेल रहे उसको सामने रखो ओके हाँ तो उसका जो टूटा हुआ हिस्सा जैसे पेड़ ऐसे था तो टूटा हुआ ऐसा ऐसे बैंड हो गया तो देखो पेड़ का टॉप वाला हिस्सा ये था मेरी टिप देखो ये टॉप वाला हिस्सा था पेड़ का लेकिन टूटने के बाद ये हिस्सा जो है अब जमीन को टच कर रहा है चेक करो कर रहा है बोलो कर रहा है ना देखो ऐसे जमीन को टच कर रहा है तो जमीन को टच कर रहा है तो ये टॉप वाला हिस्सा जब जमीन को टच करेगा तो जमीन के साथ कुछ एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ बताओ यहाँ पे एंगल बनेगा इस जगह पे ग्राउंड के साथ इस जगह पे इस जगह पे एंगल बनेगा भाई ये तो नाइन्टी डिग्री है वैसे ही ये तो नाइन्टी डिग्री है ही सही पेड़ बचा हुआ हिस्सा तो नाइन्टी डिग्री देखो पहले पूरा पेड़ नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा था अब टूटने के बाद तो जो बचा हुआ हिस्सा है पेड़ का वो तो अभी भी 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा होगा यहाँ पे लेकिन जो टूटा हुआ हिस्सा है वो कुछ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसा क्वेश्चन हमको कह रहा है और वो जो टॉप वाला हिस्सा था वो अब जमीन को ऐसे टच कर रहा है पहले वो टॉप था अभी वो ग्राउंड पे टच कर रहा है बोलो समझ में आया क्या ये अच्छे से बोलो आप दी समझ आया आर्यन शीतल आया समझ में यस yes, सर ठीक है तो अब इसका एक रफ डायग्राम रेडी कर लेते हैं हम अगर समझ में आ गया हो तो तो रफ डायग्राम देखो सारे क्वेश्चन में वही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें इन सारी क्वेश्चन में सो वी विल ड्रॉ राइट एंगल ऑफ यू मेरे साथ साथ सब लोग राइट एंगल ट्रैंगल बनाएंगे और वही पेंसिल का यूज करेंगे ऐसा नहीं कि अभी सर नहीं देख रहे तो पेन से बना लिया डायग्राम मैं जैसे ही ऑफलाइन सेशन चालू होते हैं एक हफ्ते के बाद तो मैं सबसे पहले आपकी नोटबुक चेक करूंगा याद रखना सो so, ये इस तरीके का एक डायग्राम बना लो बच्चों और ऊपर इसके डॉटेड फॉर्म में लाइन खींच दो क्योंकि टूटने से पहले पेड़ ऐसे ऊपर था तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो पॉइंट है वन? ये वाला जो पॉइंट देख पा रहे हो ये पहले टॉप पे था लेकिन टूटने के बाद अब ये ग्राउंड पर है इस जगह पर है बोलो समझ आ गया ना ए बी सी तो देखो ये सी वाला जो पॉइंट है अभी तो ग्राउंड पे टच हो रहा है लेकिन जब टूटने से पहले ये ऊपर था तो ऊपर वाले पॉइंट को हम सी डैश कह देते हैं तो C और C- पहले C पहले वाला ऊपर था अब जैसे ही देखो मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विथ इट ग्राउंड के साथ थर्टी डिग्री, an डिग्री का एंगल बनाएगा सो इसको थर्टी डिग्री मार्क करो आ, किसी का माइक शायद ऑन रह गया है अननेसेसरी माइक ऑन मत करिए नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा चेक करते रहिए बीच बीच में माइक ऑन तो नहीं है मेरा 30 डिग्री और ये जो पेड़ है ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा, बनाएगा तो यहां पे 90 जो बचा हुआ पार्ट है वो भी तो अभी 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है उसके साथ बोलो यहां तक क्लियर है ये डायग्राम ड्रॉ हो गया सभी का बोलो चले आगे शेल वी कंटिन्यू ओके yes. okay. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं मैं द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू where द टॉप touches the ग्राउंड इज 8 मीटर अब इस सेंटेंस को इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कह रहा है अब वो points कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को दो पॉइंट्स के बीच की दूरी तो एक पॉइंट तो है फुट ऑफ द ट्री तो ट्री का फुट वाला पॉइंट कौन सा होगा इस पूरे डायग्राम में बताओ ट्री का फुट वाला पॉइंट कौन सा होगा ए बी सी और सी डैश में से कौन सा पॉइंट होगा जो ट्री का फुट होगा बोलो बी वाला बी वाला तो ये तो हो गया ओके फाइन okay, ये तो हो गया आपका फुट ऑफ द ट्री और दूसरा पॉइंट कौन सा है वो वाला पॉइंट लेना है वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड तो टॉप जो है ट्री का टॉप जो है वो ग्राउंड को कौन से पॉइंट पे छू रहा है सी पे छू रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको गिवन है एट मीटर दैट मींस वी कैन इन शॉर्ट वी कैन से दैट डिस्टेंस बी जो है वो एट मीटर गिवन है फुट ऑफ द ट्री से लेकर वो वाला पॉइंट जहां पे ट्री जो है ग्राउंड को टच कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आठ मीटर मुझे गिवन है बोलो समझ आया एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री तो हाइट ऑफ द ट्री हमको निकालनी है पेड़ की हाइट निकालनी है बोलो सवाल सबको समझ में आ गया किस किस को समझ में आया बताओ तो फिर अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं बताइए समझ में आ गया सवाल yes, प्रॉब्लम समझ में yes, आ ओके okay. चलिए तो अब मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा देखते हैं कौन कौन है ऑनलाइन ओके okay, अवधि विल आंसर मी अवधि इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री ट्री सो so, इस फिगर के हिसाब से वो हाइट कहा मतलब अच्छा, सारे बच्चे सहमत है डू यू ऑल एग्री विथ अव दी दैट वी आर रिक्वायर टू फाइंड डिस्टेंस ए बी लेंथ ए बी निकालनी है हमको डू यू ऑल बोलो yes, sir. Yes. नहीं, सी डैश भी निकालनी है अभी इतनी देर में पद पलट गई चलो अभी और सोच लो कि सी डैश भी निकालनी है या ए भी निकालनी है कितने बच्चे ट्री तो देखो ध्यान से सुनना इस समय ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री कौन सी वाली पूछी गई है टूटने से पहले वाली या टूटने के बाद वाली अगर टूटने से पहले वाली पूछता है तब तो वो हाइट हो जाएगी पूरी सी डैश भी समझ आया और टूटने के बाद वाली अगर पूछता है तो वो हाइट हो जाती है हाइट ए बी ये चीज समझ में आ गई क्या सबको यस yes, ठीक है तो yes. हम क्या करेंगे अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने तो ये सोच लिया कि टूटने से पहले की हाइट पूछ रहा है लेकिन एग्जामिनर ने तो ये सोच के सवाल दिया था कि टूटने के बाद की हाइट बताओ या उल्टा हो जाए मैंने तो सोचा था टूटने के बाद की हाइट पूछ रहा है और मैं निकाल के आ गया और एग्जामिनर ने यह सोच के सवाल दिया है कि वो तो टूटने से पहले की तो मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा तो बताओ मैं क्या करूंगा टेल मी वॉट वी विल डू दोनों निकाल दूंगा दोनों निकालेंगे यस दैट्स इट हम दोनों हाइट निकालेंगे दैट मीन्स हम हाइट ए बी भी निकालेंगे और हम हाइट सी डैश बी भी निकालेंगे अब सी डैश बी निकालने के लिए क्या करना है ए बी तो वैसे ही निकाल रहे हो आप तो आप सी डैश बी और निकाल लो तो इन दोनों को जोड़ के टोटल सी डैश बी भी आ जाएगा समझ आया क्या बोलो तो क्लियर कट हो गया हमको निकालना क्या है और दिया क्या हुआ है चलो स्टार्ट राइटिंग हेयर ट्री इज गिवन अ ट्री इज गिवन टू बी ब्रोकन अच्छा ट्री जो है वो हमने क्या माना है टूटने से पहले का ट्री बताओ टूटने से पहले पूरा ट्री कौन सा था सी डैश बी तो यहाँ पे लगा दो ट्री सी डैश बी ओके

इट्स टॉप टच एस द ग्राउंड और इसका टॉप जो है ग्राउंड पे कौन से पॉइंट पे छू रहा है सी पे टच एज द ग्राउंड एट द पॉइंट सी एट द पॉइंट सी मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना थर्टी डिग्री विथ इट थर्टी डिग्री विथ इट तो ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया दैट इज दैट इज एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री डन इतना लिख लिया सबने ऑल्सो इट इज गीवन दैट एक चीज और गीवन है एस बी और सी के बीच की दूरी ऑल्सो इट इज गीवन दैट क्या गीवन है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री तो फुट ऑफ द ट्री कौन सा पॉइंट है बताओ दैट इज बी फुट ऑफ द ट्री कौन सा पॉइंट है बी है ना दैट इज बी नीचे लिख देते हैं दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच की दूरी ठीक है दैट इज उसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस बी सी ये कितना गिवन है हमको एट मीटर तो ये दो वैल्यूज हमको गिवन है और दो वैल्यू सफिशियंट है एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको एक एंगल और एक साइड गिवन है तो उसकी हम सब कुछ निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री हो गया इतना नोट डाउन सभी का यस यस चलिए यस सर ओके तो जैसा कि हमने सोचा है कि हम दोनों हाइट निकालने वाले हैं तो सबसे पहले हाइट ए बी निकालने के बारे में सोचते हैं तो देखो अगर थर्टी डिग्री सी पर है अगर थर्टी डिग्री सी पर है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी थीटा के सामने वाली चेक करो एक्यूट एंगल थर्टी डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी ए बी ए बी सो इसके सामने मार्क करो अपोजिट साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड दैट विल बी एज यूजुअल और बची हुई साइड क्या हो जाएगी मेरी ये वाली एडजेसेंट साइड मार्क कर लिया हमने सबने हो गया मार्क यस सर ओके फाइन चलो अब देखो अब हमको इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड गिवन है बी सी नहीं ऐसे नहीं बोलो ऐसे बोलो अपोजिट हाइपोटेनस एडजेसेंट में से कौन सी साइड गिवन है एडजेसेंट साइड साइड की बने और मुझे निकालनी कौन सी है अपोजिट तो साइड और एडजेसेंट साइड का जो रेशियो होता है वो कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कवर होता है छह में से में कवर होता है वेरी गुड किसमें कवर होता है टेन थीटा में कवर होता है मैं निकाल लूंगा, तो इन दोनों साइड का रेशियो कवर हो जाएगा अपोजिट और एडजेसेंट। जिसमें से अगर कोई एक भी है, तो दूसरी हो जाएगी, तो मुझे एक है, C, तो हो जाएगी. समझ ना चलो तो अब हम लगाते हैं टेन थीटा यानी कि इंट्रोडक्शन दे देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वॉट नाइंटी डिग्री ठीक है उसके बाद आ जाइए एंगल ए सी बी कितना है थर्टी डिग्री उसके बाद आ जाइए बी सी कितना है? 8 मीटर, एट और मुझे निकालना क्या है ए बी तो ए बी के आगे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क तो ये प्रॉब्लम ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम रेडी हो गई हमारे लिए बोलो ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम रेडी हो गई ना हमारे लिए पिछले चैप्टर का क्वेश्चन yes, बन sir. गया अब ये कि इसको सॉल्व करो चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने डिसाइड किया नीचे स्पेस की मैं सामने लिख रहा हूं तो क्या लिखेंगे हम टेन सी सी क्यों लिखा मैंने क्योंकि ये एंगल सी पे बना हुआ है देखो दो तरीके हैं या तो आप सी को थीटा मानो और फिर आप लिखो टेंथ थीटा और एक डायरेक्ट तरीका है कि आप सीधे ही टेंथ सी लिख दो कोई जरूरी नहीं उसको थीटा मानना थीटा हम जनरली वहां मानते हैं जहां पे ट्राइंगल का नाम गिवन नहीं होता है तो मुझे पता नहीं है कि कोरिस्पोंडिंग एंगल b है कि a है कि c है तो मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में थीटा नाम रख दिया लेकिन यहाँ तो साफ-साफ देख रहा है कि वो कोरिस्पोंडिंग एंगल एंगल c पे है सो मैं थीटा ना रख के उसको tan c ही कह दूंगा करेक्ट समझ आ रहा है ओके okay. yes, तो आ, बोलो कौन बोलेगा मेहुल बोलो tan c का फार्मूला tan c फार्मूला टू फाइंड tan c बोलो मेहुल सर ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यस अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय पूरा नाम पूरा लिखना आप ओ से शॉर्ट में नहीं लिखना अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड फाइन सो देखो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है ए बी राइट right? अच्छा इधर लिखना इधर लिखना होता है ना देखो हमने लिखा नहीं इधर ए बी के पीछे लिखो कि अपोजिट साइड है ये और बी सी के पीछे लिखो बी सी क्या है एडजस्टन साइड ठीक है, B, है. तो अपोजिट साइड ए बी है एडजस्टन साइड बी सी है फाइन तो अब यहाँ पे जो जो भी वैल्यू हमको हम जानते हैं मतलब हमको गिवन है वो पुटअप कर लो तो टेन सी सी की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ थर्टी डिग्रीज और ए बी तो मुझे फाइंड आउट करना है और बी सी गिवन है एट मीटर राइट तो टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू बता दो इसी बात पे जल्दी से शौर्य बताओ टेन थर्टी डिग्री कितना होता है One by road, अच्छा बच्चों एक हिंट और देता हूं आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यानी कि इस पूरे एक ही चैप्टर में इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर में टेन वाला रेशियो ही बार बार और बहुत ज्यादा बार काम आएगा यानी नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन में टेन वाला रेशियो काम आएगा तो टेन की अगर सारी वैल्यूज याद है थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री पे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी साइन और कॉस्ट बहुत कम काम आएगा टेन सबसे ज्यादा काम आएगा सो वन बाय रूट थ्री होती है टेन थर्टी की वैल्यू ए बी अपॉन एट इसको कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मुझे ए बी की वैल्यू मिल जाएगी मिल जाएगी इम्प्लाइस मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं आप लोग नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो तो एबी इंटू रूट थ्री इक्वल टू एट इंटू वन तो एट वन जहाट होता है तो यहां से इम्प्लाइस ए बी की वैल्यू हो जाती है एट अपॉन रूट थ्री एट अपॉन रूट थ्री मीटर लिख लिया यहाँ तक सभी ने ए बी की वैल्यू आ चुकी है एट अपॉन रूट थ्री मीटर यहाँ पे काफी कंजस्टेड हो गया मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ बी की वैल्यू आ चुकी है एट अपऑन रूट थ्री मीटर यहां तक कोई डाउट बोलो अब देखो हमको डिनोमिनेटर में क्वांटिटी नहीं छोड़नी होती है ना तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर देंगे ऊपर और नीचे रूट थ्री से रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाता है एट इंटू रूट थ्री एट रूट थ्री और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री तो इस फॉर्म में हम आंसर छोड़ के जाएंगे बोलो यहां तक क्लियर है क्या सभी को यस 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 सर 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 एवरीवन तक क्लियर है ओके ठीक है अब जैसा कि अवधि ने कहा कि नहीं सर मुझे तो दोनों हाइट निकालनी है तो अवधि यू विल टेल मी कि अब जो टूटने से पहले की हाइट है सी डैश बी वो कैसे निकालेंगे यहां से लेके यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे सी डैश बी ये तो ए से लेके बी तक तो निकाल लिया हमने इसको एक्स मान लो किसको डैश एक्वल टू एक्स ठीक है ये और A to 3 minus X. क्या फिगर कहां से मिला बेटा एट रूट थ्री अरे सॉरी मतलब एट रूट थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस उससे क्या होगा जो प्लस हो जाएगा सी डैश बी निकालनी है। आपके पास ए से लेके बी तक की हाइट है ऑलरेडी तो आपको और एक्स्ट्रा क्या निकालनी है बोलो सी से लेके ए तक की हाइट अब सी से लेके ए तक की हाइट कैसे निकालेंगे सवाल ये है जिसको आपने अभी एक्स मान लिया है वैसे एक्स मानने की जरूरत नहीं है बट ठीक है मान लिया तो चलो बताओ एक्स कैसे निकालेंगे शौर्य वॉन्ट्स टू आंसर राइट और कोई आप बोलो रिया बता सकते हो yes, बोलो रिया सर पहले ए सी की ए uh, सी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ए बी और एसी की वैल्यू को ऐड कर देंगे यस वेरी गुड सो so, देखो इतना इजी सा लॉजिक है देखो सब लोग मेरी तरफ देखो हम्म देखो ये पेड़ है ये टूट गया ये टूटने से पहले की हाइट है अब जब ये टूट गया तो ये नीचे आ गया तो मुझे बताओ जितना पोर्शन ऊपर खड़ा था उतना ही तो बैंड हुआ होगा बैंड होते टाइम कम ज्यादा थोड़ी ना हो गया होगा बोलो बोलो अब yes, वीडियो ऑन करो आपदी बोलो जितना पोर्शन ऊपर स्टैंडर्ड था पहले खड़ा था उतना ही तो बैंड हुआ होगा तो अगर मुझे ये पता करना है कि पहले कितना खड़ा था तो आप ये पता कर लो कि अभी कितना बैंड है मीन्स जो ये हाइपोटेन्यूस है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होंगी बोलो यस yes, सर बोलो गरिमा समझ आया yes, ठीक है ये वाली लेंथ और बैंड होने के बाद वाली लेंथ ये दोनों लेंथ होंगी बराबर तो अगर मुझे पहले वाली लेंथ चाहिए तो मैं इसमें से हाइपोटेन्यूस निकाल लेता हूँ ना सबसे सरल तरीका मैं अगर ये लेंथ ए सी निकाल लूँ ये वाली लेंथ निकाल लू ए सी तो ये ए सी लेंथ ही तो एक्चुअली ए डैश सी डैश होगी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर होंगी तो मेरे को ए से लेके ए सी डैश तक की लेंथ निकालने का कोई हिंट नहीं मिल रहा कोई बात नहीं मैं ए सी तो निकाल सकता हूं ना क्योंकि ए सी तो ट्राइंगल के अंदर ही लाया कर रहा है ओके okay, अब भी अब आप बताओ एसी कैसे निकालोगे श्योरी अपना हाथ नीचे कर सकते हो आप एसी कैसे निकालोगे साइन थीटा का यूज साइन थीटा का यूज करके क्योंकि ये हाइपोटे और मुझे गिवन कौन सी है अपोजिट साइड गिवन है क्या मुझे देखो मुझे अपोजिट साइड भी गिवन है तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं अच्छा मुझे तो एडजेसेंट साइड भी तो गिवन है ठीक है तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का थीटा 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 का यूज यानी थीटा भी यूज थी। कर सकते हैं थीटा का भी यूज कर सकते हो और तो और आप कुछ भी ना यूज करो आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो बेटा क्योंकि इस ट्राइंगल की दो साइड्स तो पता चल गई ना ए बी पता कर लिए आपने बी सी पहले से गीवन है तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ए सी निकाल सकते हो विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए बोलो समझ आया ठीक है ना ये yes. तो वैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे बट आपको बता रहा हूँ मैं आप चाहो तो विदाउट उसके आप थ्योरम से भी इसको कर सकते हो तो साइन थीटा का इस्तेमाल कर लें या या फिर एक काम करते हैं cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि ए बी तो मैंने निकाली थी तो पता नहीं मैंने सही निकाली थी नहीं निकाली जैसे सवाल आ सकते हैं ना एग्जाम में यार मैंने ही निकाली तो पता नहीं सही निकाली लेकिन बीसी तो उसने दे रखी है ना तो बीसी उसने दे रखी है तो, तो सही दे रखी होगी तो मैं बीसी का इस्तेमाल करूंगा यानी एडजेसेंट साइड का इस्तेमाल करूंगा और हाइपोटेनस मुझे चाहिए दैट एडजेसेंट और हाइपोटेनस का कनेक्शन कौन से ट्रग्नोमेटिक रेशियो में होता है बोलो बोल दो फटाफट कोस कोस थीटा में सो अगेन सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कॉस सी और कॉस सी का फॉर्मूला गरिमा बताएगी बोलो गरिमा कॉस सी का फॉर्मूला हम्म डिवाइडेड hmm? बाय हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट लिख के आएगी तो माफ कर जाएंगे एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस अब ये भी बता दे लगे हाथ की एडजेसेंट साइड कौन सी और हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है एड्रेसिंग आई तो बीसी है यस yes. और हाइपोटेन्यूस एसी एसी ठीक है आ, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर देते हैं दैट इज कॉस सी तो सी की वैल्यू कैसी होगी थर्टी डिग्री एंगल तो सेम ही रहेगा बदल थोड़ा जाएगा बी सी मीटर ऑलरेडी गिवन है और ए सी इज वॉट वी नीड टू फाइंड। शीतल बताओ कॉस थर्टी डिग्री कितना होता है बोलो शीतल कॉस थर्टी डिग्री कितना होता है वॉट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थर्टी डिग्री ज्योति बोलो वॉट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थर्टी डिग्री सबको पनिशमेंट मिलेगी एक बार आ जाओ सब लोग वापस लक्षिता यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थर्टी डिग्री रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू वेरी गुड ठीक है तो रूट थ्री बाय टू इक्वल टू यस तो शीतल एंड इसने जवाब आपने दिया कल ट्वेंटी टाइम्स लिख के लाएंगे 30 रूट से 2 होता है और मुझे इस पे करेंगे. Okay? 8 AC. तो ए सी मल्टीप्लाईड बाई रूट थ्री इक्वल टू टू इंटू एट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू एट कितना होता है सिक्सटीन होता है तो यहां से एसी की वैल्यू आ जाती है सिक्सटीन डिवाइडेड बाय थ्री वैसे तो अच्छा ये फाइनल आंसर नहीं है सिक्सटीन डिवाइडेड बाय रूट थी हमारा फाइनल आंसर नहीं है ना क्योंकि अभी इसको ऐड भी तो करेंगे तो हम इसको रेशनलाइज चाहे तो कर सकते हैं बट हम याद रखना हमेशा फाइनल आंसर को रैशनलाइज करना चाहिए ठीक है पर इसको रेशनलाइज करने में फायदा है पता है क्यों क्योंकि मैंने ए बी की वैल्यू देखो कैसे छोड़ी हुई है चेक करो जिसके डिनोमिनेटर में थ्री है तो मैं ए सी की भी वैल्यू भी ऐसी ऐसे ही निकाल लूँ जिसके डिनोमिनेटर में थ्री है तो थ्री थ्री एल सी में हो जाएगा फिर तो मैं काम करता हूँ इसको रेशनलाइज कर ही देता हूं फिर तो 16 3 16 3, 3 3 3. तो एंड की वैल्यू आ चुकी है सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री मीटर्स यहां तक तो कोई डाउट नहीं है अब आगे बढ़ते हैं हम नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट कि मुझे तो लेंथ चाहिए थी ए सी डैश तो ए सी डैश की जो लेंथ होगी वो ए सी लेंथ के बराबर होगी और ए सी की लेंथ मैंने निकाल ली है क्या सिक्सटीन रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री मीटर्स सो अब मेरे को टोटल टूटने से पहले की हाइट चाहिए थी जो कि क्या थी सी डैश बी सो सी डैश बी हो जाती है सी डैश बी निकालने के लिए आप एक काम करेंगे ए बी की लेंथ में ए सी डैश की लेंथ को ऐड कर देंगे तो ए बी की लेंथ आपने निकाल के रखी थी पहले क्या थी एट रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस और ए सी डैश की एल सी हम लेते हैं एंड वॉट इज एट रूट थ्री प्लस टेलमी थ्री एल सी हम आ जाएगा एड तो हो जाएगा ट्वेंटी फोर रूट थ्री मीटर्स और इसमें भी हम थ्री से वन टाइम और थ्री से थ्री एटी फोर कैंसिल आउट कर देंगे एट रूट थ्री मीटर हमारा आंसर हो गया एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम ये तो टूटने से पहले की हाइट है दो आंसर्स लिख देंगे हम ये तो है टूटने से पहले की हाइट और ये है टूटने के बाद की हाइट तो अगर एग्जाम में क्लियर कट कहता है कि टूटने से पहले की हाइट या बाद की हाइट बताओ तब तो ठीक है नहीं कहता है तो आप दोनों हाइट निकाल के आएंगे इस चीज को कान खोल के सुन ले तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं हेंस द हाइट ऑफ द ट्री द हाइट ऑफ द ट्री द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन ओ पहले आफ्टर वाला निकाला तो पहले आफ्टर लिख लो आफ्टर इट्स ब्रेकिंग डाउन आफ्टर इट्स ब्रेकिंग डाउन तो आफ्टर इट्स ब्रेकिंग डाउन तो वाली हाइट को हमने लेंथ ए बी से डिनोट किया है और उसका आंसर हमने क्या लिखा था एट रूट थ्री बाय थ्री राइट मीटर एंड एंड दूसरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट द द हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन तो देखो क्वेश्चन बेटा थोड़े लेंदी जरूर हैं बट सॉल्व करते टाइम काफी इजी है देखो इसमें कैलकुलेशन वाइज कितना सरल सा क्वेश्चन है हाँ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पार्ट है थोड़ा सा आ, समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है बट एक बार समझ में आ गया तो जो कैलकुलेशन पार्ट है इज वेरी वेरी इजी हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन तो बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन जो हाइट हमने मानी थी दैट वॉज दैट वॉज वॉट ए ए सी डैश यही थी क्या नहीं ए सी डैश नहीं थी क्या थी बोलो सी डैश भी सी डैश भी और वो हमने क्या निकाली सी डैश भी निकाल लिया हमने एट रूट थ्री मीटर अब आप एक बार पीछे से आंसर चेक करो आंसर की से कि उसने कौन सी हाइट मानी है टूटने से पहले वाली या बाद वाली चेक करो सम स्टूडेंट पीछे कौन सा आंसर तो मैच कर रहा है बाद, बाद।, बाद वाली? वाली क्या पहले वाली पहले वाली एट रूट थ्री मीटर आंसर दे रखा right? yes, है पीछे तो तो पड़ेगा, पड़ेगा, कि एट रूट थ्री का आंसर आप उसको निकाले बिना निकालो क्योंकि उसको ऐड करके ही तो एट रूट थ्री बना तो क्या है हमको चार लाइने तो एक्स्ट्रा दो तो एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है कि वो टूटने से पहले की हाइट है और टूटने के बाद की हाइट है अगर उसने इसको आंसर माना होता तो फिर हम कह सकते थे कि सर हमने इसको निकालने का काम एक्स्ट्रा कर दिया भाई अगर उसने आंसर यहीं पे स्टॉप करवा दिया होता तो हम कह सकते थे कि सर हमने ये काम एक्स्ट्रा किया है बट उसने तो वैसे भी फाइनल आंसर इसी को माना है किसको इसको तो जब उसने फाइनल आंसर इसको माना है तो ये काम तो वैसे भी ये वाली हाइट तो वैसे भी निकालनी पड़ती ही पड़ती बिना ए बी निकाले आप डायरेक्ट सी डैश बी तो निकाल नहीं सकते ये निकालोगे उसमें जोड़ के ही तो टोटल हाइट निकालोगे तो आई थिंक आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट अगर कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन को बताइए एनी डाउट hmm? करिए रिप्लाई any doubts no sir no sir okay चलो तो मैं delete कर no, kar... okay so delete करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड मीटिंग इज ऑल्सो अबाउट टू ओवर तो आपको दूसरी वाली id डी पे join करनी है अगर meeting over हो जाती है उसी time ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री जब तक चल रही है तब तक रीड आउट करते हैं एक बार अ कॉन्ट्रैक्टर कोई कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर समझते हो क्या क्या होता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेता है ठेकेदार यस yes, देसी भाषा में ठेकेदार तो एक ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि वो बच्चों के खेलने के लिए पार्क में दो स्लाइड्स लगाएगा स्लाइड्स होती है ना तो दो स्लाइड्स लगाएगा तो जो बिलो 5 ईयर एज वाले बच्चे हैं उस उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर फीमेल uh, कॉन्ट्रैक्टर है शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर वो ऐसी स्लाइड बनाएगी जिसका जो टॉप वाला पॉइंट है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री है आप देखो जो वो होती है ना क्या बोलते हैं उसको अपन गार्डन में जाते हैं स्लाइड होती है ना स्लाइड खाते हैं हम लोग खाई होगी आप लोगों ने भी तो वो जो है स्लाइड वो जो ग्राउंड पे तो टच होगी होगी तभी तो नीचे आएंगे हम तो वो ग्राउंड पे कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी तो जो छोटा वाला छोटी वाली स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है जबकि जो एल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी स्टीप स्लाइड स्लाइड बनाई यानी थोड़ी ऊंची बनाई है उसकी हाइट भी ज्यादा चेक करो थ्री मीटर उसकी हाइट भी मीटर मीटर थी इसकी हाइट 3 है हाइट भी उससे दुगनी है और जो इंक्लाइंड एंगल है वो एंगल भी सिक्स डिग्री का ग्राउंड के साथ बना रही है भाई देखो थर्टी डिग्री का बनाएगी तो थोड़ी ऐसे सीधी होगी थोड़ा सा उसमें स्लाइड वाला पोर्शन कम होगा और जो सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाएगी वो थोड़ी सी ऐसी जाएगी तो वो थोड़ी सी थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं ज्यादा एक्साइटिंग होगी क्योंकि बड़े बच्चों के लिए तो क्या कह रहा है ये व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस तो दोनों बच्चों के दोनों तरीके के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसमें उस, उस स्लाइड की लेंथ क्या होगी भाई जहां से बच्चा गुजरता हुआ आएगा उसकी लेंथ लेंथ वो जो स्लाइड की लेंथ है यानी निकालना है आपको तो से होता हुआ आएगा बच्चा आप सोचो एक राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चे को ऊपर बिठा दें तो कहाँ से रिपस पट्टी खाता हुआ आएगा वो हाइपोटेनुस से आएगा बिल्कुल ऐसे स्लाइड करता हुआ तो आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है दैट मीन हाइपोटेस की लेंथ निकालनी है चलो अब मीटिंग ज्वाइन करो सेकेंड वाली चलो अभी चल रही है चलने तो देखो जितना टाइम चल जाए अगर टूट जाए तो फिर उस पर आ जाना चलो आ जाओ तो अब अपन क्या करते हैं यहां पे दो फिगर बनेंगे बच्चों तो मैं दोनों फिगर बना लेता हूं और दोनों को अपन तो साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे देखो इंट्रोडक्टर इंट्रोडक्शन करते हैं हम इसका हेयर टू स्लाइड्स आर गिवन टू स्लाइड्स आर गिवन ठीक है एक की हाइट है थ्री मीटर थ्री मीटर ठीक है विच आर एंगल ऑफ विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अच्छा अभी तो टाइम काफी सारा बाकी बेटा ना मीटिंग में अभी खत्म नहीं हो रही है एट एन एंगल ऑफ तो जो 1.5 मीटर वाली स्लाइड है उसका एंगल है 30 डिग्री एंड जो 3 मीटर वाली जो ऊंची स्लाइड है उसका एंगल है 60 डिग्री ग्राउंड टू द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली टू ग्राउंड रेस्पेक्टिवली हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया तो लगे हाथ दो राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं मैं एक छोटा पैक और एक बड़ा पैक ये बड़ी वाली स्लाइड ये छोटी वाली स्लाइड ठीक है दोनों स्लाइड्स के जो डेटा है उसको लिख दो इस स्लाइड की हाइट हाइट हमेशा बताए हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है कभी भी हाइट आप ऐसे टेढ़ी नहीं ना हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही इंक्लाइंड होती है तो हाइट दे रखी है ये होगी हाइट से लेके यहां तक ये हाइट कितनी की इसकी 1.5 मीटर और इसकी हाइट कितनी की है थ्री मीटर यहां से लेके यहाँ तक ठीक है दोनों की हाइट निकाल ली हमने इनका नामकरण भी कर देते हैं तो लेट से जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसको रख देते हैं एबीसी और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको रख देते हैं पी क्यू आर ऐसे ऐसे ठीक है अच्छा ये वाला जो छोटी वाली स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ थर्टी डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये एंगल थर्टी डिग्री और जो बड़ी वाली स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ सिक्सटी डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये वाला एंगल सिक्सटी डिग्री ये फिगर्स ड्रॉ हो गए क्या सभी के टेलमी यस सर ठीक है अब दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर जस्ट आपको निकालना है काफी सरल सवाल है बोलो हो सकता है ना क्वेश्चन नंबर टू से तो काफी इजी है ये समझने में भी और सॉल्व करने में भी है ना ओके चलिए नाउ वी आर रिक्वायर्ड नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्लाइड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टू स्लाइड्स लेंथ ऑफ द टू स्लाइड्स तो पहली स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी ए सी और दूसरी स्लाइड की लेंथ क्या होगी पी आर तो ये हमको दोनों स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है तो एक, एक ट्राइंगल पकड़ लें बोलो लिख लिया इतना ए सी एन पी आर यहां लिख देता हूं यहां तक लिख लिया सभी ने तो पहला वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं सो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी में है एंगल बी 90 डिग्री एंगल सी जो है वो गिवन है 30 डिग्री और लेंथ ए बी ये गिवन है 1.5 मीटर और मुझे फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूस दैट मीनस ए सी इज वॉट वी नीड टू फाइंड करेक्ट ठीक है हम चाहे तो दोनों को साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं लगे हाथ इसका भी इधर कर दो एंड इन ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर ट्राइंगल इन एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री है एंगल आर जो है वो एक्यूट एंगल सिक्सटी डिग्री है और हाइट पी क्यू मुझे गिवन है थ्री मीटर्स और इसमें आर है जो मुझे फाइंड आउट करनी है ठीक है हो गया नोट डाउन सही हम नोट डाउन कर लें तो देखिए दोनों में कोरोस्पॉडिंग एंगल एक की कोने में दिखाई दे रहा है तो उसके हिसाब से देखो एंगल सी के हिसाब से आप मुझे बताओ कौन सी साइड गिवन है, है? माइक ऑफ करो तो एंगल सी के हिसाब से मुझे बताओ कौन सी साइड गिवन है अपोजिट साइड गिवन है और एंगल आर के हिसाब से भी अपोजिट साइड ही गिवन है तो दोनों के केस में अपोजिट साइड तो गिवन है तो यहां मार्क कर दो ab के आगे अपोजिट साइड ये है गिवन और ac यानी कि हाइपोटेन्यूस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड दोनों केसेस में दोनों के ट्राइंगल्स में सेम कंडीशन है इसमें भी अपोजिट साइड ही गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमें पता करना है ठीक है बच्चों अपोजिट साइड गिवन है तो मुझे बताओ आप कौन बोलेगा आ, देखें कुछ किसी नए बच्चे से पूछे मोहित बोलो मोहित आप बताओ कि अपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूस हमको निकालना है तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें मिलेगा छः में से साइंसिक

हम उसका भी कर देते हैं तो साइन आर वहां पे आर पे लगेगा साइन आर फॉर्मूला विल रिमेन द सेम अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ओके शीतल बताओ साइन सी यानी सी है हमारा थर्टी डिग्री तो साइन थर्टी डिग्री कितना होता है और यहाँ या बाई टू और साइन सिक्सटी डिग्री कितना होता है रूट थ्री बाई टू ओके वेरी गुड तो साइन थर्टी डिग्री के नीचे मार्क करेंगे वन बाय टू साइन सिक्सटी डिग्री के नीचे मार्क करेंगे रूट थ्री बाय टू चलते हैं आगे अपोजिट साइड इस केस में है ए और हाइपोटेन से ए सो इट विल बी ए बी बाय ए सी इट वुड बी लाइक ए बी जिसमें भी ए की वैल्यू गिवन है वन तो वन पॉइंट हो जाएगा हो हो जाएगा like इधर इधर तो तो सामने वाली side कौन सी हमारी और 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 है 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 पता करना ठीक गया कर देते हैं एक ही बार में दोनों जगह पे तो इट विल बी लाइक ए सी इंटू वन और इट विल बी लाइक टू इंटू वन पॉइंट फाइव ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर आइए इधर क्या बनता है पी आर इंटू रूट थ्री एंड इट इज इक्वल टू टू इंटू थ्री ओके तो तो टेल मी व्हाट एसी एसी जा से तो सीधे सीधे एसी की वैल्यू आ गई टू इंटू वन पॉइंट फाइव का नजरा टू इंटू वन पॉइंट फाइव कितना होता है व्हाट इज टू इंटू वन पॉइंट फाइव बोलो भाई थ्री मीटर थ्री पॉइंट जीरो यानी मीटर और यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकालने के लिए रूट थ्री को वहाँ भेजना पड़ेगा तो इसको ऐसे लिख दो डिवाइडेड रूट थ्री है बोलो थ्री के पास कितने रूट थ्री हैं दो रूट थ्री हैं और नीचे एक रूट थ्री तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कट जाएगा बोलो समझ आया तो ये root 3 से रूट थ्री टाइम्स कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा टू रूट थ्री मीटर आंसर किसी आंसर मैच कर लीजिए एक का आंसर है ए सी एक का आंसर है थ्री मीटर एक आंसर टू तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम हैंस द लेंथ ऑफ द टू स्लाइड्स आर द लेंथ ऑफ द टू स्लाइड्स आर एक की लेंथ क्या निकाली हमने थ्री मीटर एंड दूसरे की लेंथ क्या निकाली हमने टू रूट थ्री मीटर आंसर चेक करो सही है हम्म बोलो बच्चों आंसर किसे मैच कर लिया आंसर यस yes, सर मैच हो गया एग्जैक्ट मैच है या कुछ no. आ, कुछ कमी पेशी है मतलब कुछ मिस मैच हो तो बोलो सर no, ठीक है तो समझ आ गए आज के दो क्वेश्चन आज हम दो ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी इशू था स्टार्टिंग में एंड द सेकंड थिंग इज कि क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा लेंदी था इंपॉर्टेंट भी था कोई बात नहीं कल के क्वेश्चन से छोटे लग रहे हैं तो कल हम ज्यादा कवर कर पाएंगे ठीक है तो वाइंड अप करें आज की क्लास सर ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस नाइस अर्स ए नाइट स्टे की वो पनिशमेंट होमवर्क करके आना जिस जिसका भी था बच्चों ट्वेंटी टाइम्स जिसको याद ओके बाय बाय Bye sir À um, bây